हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलीमर का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये मैंने बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो उसको जरूर देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। बट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप एक बार सुनोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूं वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जांपल में समझने का कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यदि मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो बेहतर है कि आपको ACF के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप कुछ एग्जांपल्स को याद कर लो जिसे मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण एक प्रकार का क्या है, प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, पॉलीमर बनाने का प्रक्रम है। ठीक है भाई, जैसे आप खाना बना रहे हो ना, तो खाना बनने का भी तो एक प्रोसेस होता है, वैसे ही पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर बनने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन मतलब ये जो प्रोसेस है ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से आप पॉलीमर बना सकते हो। क्या क्या प्रोसेस है, तो ये पहला जो हमने लिख रखा है चैन पॉलीमराइजेशन, इसी को ही एडिशन पॉलीमराइजेशन का भी कहते हैं, जिसे हिंदी में श्रृंखला या योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, मैंने डेफिनेशन नीचे लिख रखा है, इस डेफिनेशन को मैं अभी डिक्टेट भी करता हूं, बट डेफिनेशन डिक्टेट करने से पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं, है ना, क्या होता है, सुन लो पहले फिर हम इसको देखेंगे। आपको सुनने की बस देरी है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि यदि किसी मोनोमर के बहुत सारे अणु, मोनोमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर बनता है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन के दौरान किसी प्रकार का कोई सह उत्पाद प्राप्त नहीं होता, मतलब सीधे सीधे मोनोमर कंबाइन हो गए और पॉलीमर बना लिए, किसी प्रकार का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसे ही मैंने क्या बोला है, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, समझ में आ गया ना, जैसे मैंने बोला कि सीधे सीधे मोनोमर लिए, उसको जोड़ दिए आपस में, क्या बना दिए, पॉलीमर बना दिए, किसी प्रकार का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे ये रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा C+O2 गिव्स CO2, तो ये एक प्रकार का रिएक्शन है, वो भी एडिशन रिएक्शन है, दिख रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन सीधे सीधे जुड़ के CO2 बना ले, क्या कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सीधा सीधा सी और O2 ऐड होके CO2 बना लिए, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। तो अब स्टूडेंट आ जाओ, अब मैंने एक मोनोमर लिया, कौन सा मोनोमर लिया, चलो मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूं, मैंने एक मोनोमर लिया, सपोज लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट इसका नाम तो पता ही होगा, इसका नाम है इथीन। अब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, और कंबाइन होकर क्या बना लिए स्टूडेंट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री वैलेंसी, और कितने अणु कंबाइन हो गए, N अणु कंबाइन हो गए। क्या इसमें कोई बाई प्रोडक्ट मिला, नहीं, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन एक प्रकार का क्या है, ये क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट है या एडिशन पॉलीमर है, बोल सकते हैं क्या, इट इज अ एडिशन पॉलीमर। क्लियर हो गया, चलो आप एक को मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी बोलता हूं, ठीक, एक मतलब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि इसका ये देखो, यदि ये इसका अणुभार मॉलिकुलर मास सपोज करते हैं कितना होगा, तो 12, 12, 24 और 4, 28 है, ठीक है, सपोज करते 28 है, और यदि मैं इसके 10 मॉलिक्यूल ले लूं, एन के जगह पे 10 मॉलिक्यूल ले लो, तो टोटल मॉलिकुलर मास कितना हो गया स्टूडेंट, 280 हो गया कि नहीं हो गया, तो इस पॉलीमर का मॉलिकुलर मास भी कितना होगा, 280 होगा।
क्योंकि ये कंबाइन तो हो गया ना, कोई बाई प्रोडक्ट तो निकल नहीं रहा है। अब समझ में आ गया, बस अब बस अब इतना समझ लो, अब एग्जांपल को, अब एग्जांपल आप याद कर लो सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडिशन पॉलीमर। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं। क्या होता है, एन एडिशन पॉलीमर इज अ पॉलीमर, ये एक प्रकार का पॉलीमर है, दैट फॉर्म बाय सिंपल लिंकिंग, सिंपल लिंकिंग मतलब आपस में कंबाइन हो गए, ऑफ मोनोमर्स विदाउट द जनरेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के पॉलीमर जो होते हैं उसको मैंने बोला है एडिशन पॉलीमर, और इस प्रक्रम, जिस प्रक्रम से एडिशन पॉलीमर बनते हैं उसको हमने क्या कहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब स्टूडेंट्स इनके एग्जांपल्स को मैं यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, एग्जांपल्स को आप बस लर्न करो, ठीक है। एडिशन पॉलीमर का डेफिनेशन कुछ नहीं, एग्जांपल को थोड़ा सा आप लर्न कर लें। तो मैंने यहां पर लिखा CH2, देखो लिखने का तरीका बस आप देख लो तो आपको 4-5 एग्जांपल एक साथ बन जाएंगे। ये देखो मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया, ये है क्या इथीन, क्या हो गया ये स्टूडेंट्स इथीन। अब इथीन को मैं, यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इथीन को n टाइम्स कंबाइन कर दिया तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पर n मतलब इस H को मैंने ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ में आ रहा होगा, इतने तो समझ में आता है, इतनी केमिस्ट्री तो समझ में आता है। तो ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट्स, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। नाउ ये एक एग्जांपल हो गया। अब स्टूडेंट्स अगले एग्जांपल्स के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो देखते जाओ बस, एग्जांपल क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने इस H के प्लेस पे मैंने लगा लिया CH3, ठीक है। अब यदि आपको ये पता चल गया तो प्रोडक्ट आप बना ही लोगे, है ना, वो मैं प्रोडक्ट आप बना नहीं रहा हूं, ये आपका टास्क हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ये है प्रोपीन। तो प्रोपीन भी एक प्रकार का पॉलीमर बना लेगा, कौन सा पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, और उसका जो नाम होगा वो क्या बना, क्या नाम होगा, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। तो मैं वो नाम लिख नहीं रहा हूं, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही सॉरी बहुत डिटेल समझने की जरूरत है, आप केवल नाम को याद न करो, प्रोपीन तो पॉलीप्रोपीन थर्ड। अब देखो फिर से इसी एच के प्लेस पे मैं यदि लगा लूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको PSC मेंस में भी पूछा है, ये CL लगा लूं, यदि मैं CL लगा लूं तो इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का मोनोमर, सॉरी ये मोनोमर हो गया, अब इसका पॉलीमर क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉलीमर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ठीक है। इसका पॉलीमर का नाम होता है पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, PP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आपके लिए लर्न करना आसान हो रहा है ना, देखिए फोर्थ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ भी, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक मैंने यहां पर क्या लगा लिया, बेंजीन रिंग लगा लिया स्टूडेंट्स। देखो सारे एग्जांपल मिलते जुलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन, मैंने जैसे बोला ना आपको, ये आज का जो वीडियो है इसमें कुछ याद करने पड़ेंगे, तो ये नाम याद करना पड़ेगा स्टाइरीन। तो यदि इसका पॉलीमर बना ले, क्या बनेगा इसका पॉलीमर, चलो मैं एक बार बताई देता हूं, CH2 आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ये लो ये बेंजीन रिंग बन गया, इसको आप क्या बोलने वाले स्टूडेंट्स, पॉलीस्टाइरीन। तो ये मेरे पास में एक और एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देख लो, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर, किसी प्रकार का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां मैंने लगा लिया CN, इससे हम CN, इसको हम बोलते हैं एक्रीलो, एक्रीलो नाइट्राइल, ठीक है। अब इसका यदि पॉलीमर बनाओगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मैं नाम लिख दे रहा हूं, पॉली एक्रीलो नाइट्राइल, पॉली बस टर्म आपको यूज करना है, ठीक है। तो मैंने 4-5 एग्जांपल बता दिए, सारे मिलते जुलते हैं, देखो यहां पर CN है, बेंजीन रिंग है, CL है, CH3 है, H है। एक लास्ट एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार 2016 और 2017 दोनों बार ये एग्जांपल पूछा है जो अब मैं बताने वाला हूं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर H के प्लेस पे मैं यदि F लिख लूं तो देखो क्या होगा, सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है।
तो ये मैंने H के प्लेस पे F लगा लिया, तो ये हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। और इसको और दूसरा नाम है इसका पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो आप यहां पर देख सकते हो ना, ये इथीन से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, तो ये एक्चुअली में है टेट्रा फ्लोरो इथीन। मैं नेम शॉर्टकट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो मेरे वर्ड्स को सुन के लिख लें। स्टूडेंट्स ये वाला प्रॉब्लम आप देख लो, ये एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, ये वाला 2017 ये वाला प्रॉब्लम देखें। ये वाला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो देखो टेफ्लॉन मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है, ये देख सकते हैं ये कब आया है, 2016 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे एग्जांपल्स का एक लिस्ट देने वाला हूं जिसको आप याद करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहो ताकि आपको लास्ट में मैं कुछ लिस्ट दूं वो आप देख लें, ठीक है। चलिए उसके पहले मैं आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन तो बता दिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। नाउ ये होता है स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन का सेकेंड पार्ट, का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेषता क्या है, तो ये तो आपको बता ही दिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं निकलता, इसमें कुछ निकलता है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा डेफिनेशन, आप केवल हिंदी में सुन लो कि यहां पर क्या निकलता है, कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है नाइलोन 66, ये स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 66 का भी मीनिंग आपको मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले हम फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। नाइलोन 66 ये बनता है स्टूडेंट, 66 मतलब ये 6 जो है, ये 6 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, कार्बन की संख्या को बता रहा है दोनों 6, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक। तो आप देखना, ये होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का मिक्सचर या इनके रिएक्शन से बनता है। तो आप देखो एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड होता है CH2 आपने लिखा 4 times, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OOH, COOH आप तो एसिड तो पता ही है, तो एसिड के लिए ये होता है, और यहां लिखा C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये होता है एडिपिक एसिड, क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, एडिपिक एसिड। तो आपको जैसा मैंने बताया ना, आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा, कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे इतने सारे नाम कैसे याद करें, तो स्टूडेंट्स नाम तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहां पर मैंने कितने कार्बन बोले हैं, 6 कार्बन है, देख सकते हो ये 4 है, 6 कार्बन, 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो एडिपिक एसिड एक मोनोमर हो गया, कितने टाइम्स ले लिया इसको मैंने, n टाइम्स ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब मैं एक मोनोमर लेता हूं, कौन सा, हेक्सा, देखो पहले मैं नाम लिख देता हूं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो जो बच्चे इस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यह ज्यादा हेल्पफुल है, और ACF के लिए केवल आप नाइलोन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये याद रख लो। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो हेक्सा मतलब 6, तो ये मैंने CH2 लगा लिया 6 बार, हेक्सामेथिलीन हो गया 6 बार, ठीक है। और डाई एमीन मतलब एमीन, एमीन पता है क्या आपको, NH2, तो NHH और मैंने लिख लिया NHH, ठीक है, ये NH2 हो गया। कुछ नहीं, आप परेशान मत हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ACF के लिए ये सब जरूरत नहीं है, ये आपने यहां से वाटर निकाल लिया। मैं एक्चुअली पर्पज क्या है ना, कंडेंसेशन को एक बार बताना मेरा पर्पस है बस, फिर आने वाले वीडियो में, अभी आने वाले समय में आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। यहां से H2O निकाल दो, अच्छा यहां से भी H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो यदि ये कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो ये क्या बच जाएगा देख सकते हो, जो भी बचा उसको आप एज यूजुअल लिख लो, क्या बचेगा, यहां से बचा C डबल बॉन्ड O, ये बचा CH2, कितने बार ये बच गया, 4 times हो गया, यहां अगेन C डबल बॉन्ड O, यहां पे फिर NH, यहां पर देखिएगा NH बचा हुआ है, अगेन CH2, ये कितने बार है स्टूडेंट्स, 6 बार, फिर NH और ये,
तो ये है एक्चुअली में नाइलोन 6-6। तो नाइलोन 6-6, अब आप फॉर्मूला याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं करो तब भी आप नाइलोन 6-6 याद कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देख लेना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक और बात बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां देखो CONH2 है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच है ना, नोटिस कर लेना सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो ये है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी बच्चे को याद होगा तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ये होता है एक्चुअली एमाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है एमाइड, ठीक है। अभी मेरा जो नेक्स्ट पॉलीमर खत्म होने के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए आपको ये वहां पर बताया जाएगा फिर से, लेकिन अभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े नहीं है। तो फिलहाल सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एमाइड है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइलोन 6-6 एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का है ये पॉलीएमाइड, ठीक है, याद कर लो। ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड, नाइलोन 6, नाइलोन 6-6, नाइलोन 6-10, जहां नाइलोन वर्ड आ गया मतलब वो है पॉलीएमाइड। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकला ना यहां से H2O निकला, तो वाटर निकल रहा है मतलब ये कौन सा पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल का लिस्ट आपके सामने लिखते हैं, रखते हैं, वो आप ध्यान से देखो क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, देख लो। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने एडिशन पॉलीमर्स के लिए लिख रखा है, तो यहां पर देखो अप टू टेफ्लॉन तक मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक प्रकार का होमोपॉलीमर भी है, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बता रखा है, होमोपॉलीमर में एक ही प्रकार के मोनोमर्स होते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स ऊपर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये सभी एडिशन पॉलीमर तो है ही है, साथ ही साथ होमोपॉलीमर के भी एग्जांपल हैं, ठीक है। ये दोनों आप देख ले, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये दो एग्जांपल किसके हैं, तो स्टूडेंट सारे एग्जांपल एडिशन पॉलीमर्स के हैं, ये साथ ही साथ स्टूडेंट ये कोपॉलीमर के एग्जांपल हैं, मतलब इसमें दो प्रकार के मोनोमर कंबाइन होते हैं, जिसे भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। स्टूडेंट्स ये कौन सा पॉलीमर है, तो ये नियोप्रिन है, ये नियोप्रिन क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है, सारे एग्जांपल एडिशन के हैं, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, होमोपॉलीमर है, ठीक है, होमोपॉलीमर। और मैं आपको एक्स्ट्रा बातें हैं ये सब, ये स्टूडेंट्स ये जो तीन है, मतलब कौन कौन सा, ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रिन, ये सभी क्या है, रबर है। आपने रबर तो पता ही है, रबर रबर बैंड वाला रबर है, रबर, ठीक है। तो ये रबर है, कौन से रबर है, ये सिंथेटिक रबर है, क्लियर हो गया स्टूडेंट, सिंथेटिक रबर है ये, ठीक है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रबर नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया रबर है, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा बातें हो गई, अब आ जाते हैं ये नीचे, सारे एग्जांपल्स जो लिखे हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हैं। अब इसमें सुन लो, नाइलोन 6-6 का मीनिंग मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। नाउ ये एक क्या है स्टूडेंट, पॉलीएमाइड है, ठीक है, सॉरी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल तो है ही है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाले हैं, ये है क्या, पॉलीएमाइड। नाउ स्टूडेंट्स अगला देखें, ये दो एग्जांपल जो हैं ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल हैं, लेकिन इसे हम बोलते हैं पॉलिस्टर, आपने सुन रखा होगा पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह बनता है जो थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा होता है, आपने देखा होगा, तो ये पॉलिस्टर होते हैं। क्यों है पॉलिस्टर, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट, एस्टर ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एस्टर ग्रुप सुन रखा होगा, इसमें कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट, एमाइड, तो पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड। अच्छा ये दो, ये सारे एग्जांपल जो नीचे तक लिखे हैं ये सभी एग्जांपल्स कोपॉलीमर के हैं, मतलब इसमें कम से कम दो मोनोमर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बेकेलाइट बहुत मजबूत होता है, काफी हार्ड होता है, ये एक्चुअली में होता है थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सुनने वाले हैं पॉलीमर के ही, लेकिन ये काफी हार्ड पॉलीमर होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने वो देखा होगा कुकर का हैंडल, कुकर इतना गर्म हो जाता है फिर भी हैंडल जो होता है आप उसको रबड़ जैसा लगता है, उसको आप छू लेते हो
हैंडल गरम होता है क्या? नहीं होता ना, वो इतना हार्ड होता है कि गरम होने के बावजूद भी, कुकर गरम होने के बावजूद भी हैंडल ठंडा रहता है। तो वो ये इस टाइप का मटेरियल बेकेलाइट का ही एग्जाम्पल है। जैसे आपने स्विच बोर्ड देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच बोर्ड, यदि स्पार्किंग होती तब भी स्विच बोर्ड गलता नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही गलता है। ठीक है, तो एनीवे अभी पर्पस वो सब डिटेल बताने का तो नहीं है, लेकिन आप केवल सुन लोगे तो आपके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलीमर्स के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताने वाला हूं, और मैं आपको लीनियर पॉलीमर क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है, ये सब भी बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।